एंड वेलकम बैक टू हमारी आपकी रसोई से। मैं वंदना आज आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही मजेदार रेसिपी, पोटैटो पिज्जा। एक ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे तो सभी घर वाले बार बार इसी की डिमांड करेंगे। पिज्जा खाने वाले बच्चे भी पोटैटो पिज्जा ही मांगेंगे। बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनते हैं, पर बनाना बहुत आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इन्हें छील लेंगे। अब इन्हें कद्दूकस की मोटी वाली साइड से कद्दूकस कर लेंगे। इन कद्दूकस किए हुए आलूओं को पानी के एक बोल में छोड़ देंगे ताकि ये काले ना पड़े और इनका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाए। इसे अभी एक साइड रख देंगे। यहाँ मैंने ये 2 मीडियम साइज की प्याज लिए, इन्हें छील लिया है, इन्हें पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया, इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज, इसे लाइट पिंक कलर तक भूनना है। जितने प्याज भून रही है ये मैंने ये एक गाजर ली है, इसे भी मोटे साइड से ग्रेट कर लेंगे। गाजर को भी प्याज के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ ये मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, इसे भी छोटा छोटा काट लेते हैं। इस चॉप्ड शिमला मिर्च को भी गाजर और प्याज के साथ डाल देंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे सब चीजों को। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 3 अंडे। ¼ कप दूध, 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैदा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये इस तरह का बैटर हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं, और अगर पतला हो रहा हो तो थोड़ा सा आटा या मैदा ऐड कर लें। यहाँ मैंने ये ग्रेट करे हुए आलूओं को एक स्ट्रेनर पे ले लिया था और इन्हें हाथ से भी एक बार अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब इस बैटर में ऐड कर देंगे ये आलू, इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसमें ब्रोकली, बेल पेपर्स या जुकीनी वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं और इजीली पैन में भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने ये एक बेकिंग डिश ली है, इसके बेस में थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ और इसके ऊपर लगाएंगे ये पार्चमेंट पेपर ताकि निकालना इजी रहे। इसे भी ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर देंगे। इसका तकरीबन 1/2 बैटर मैं इसमें बेकिंग डिश में ले लेती हूँ। इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैंने ये ओवन 10 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पर प्रीहीट करने लगा दिया था। अब इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। पैन में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ये बैटर पैन में ले लेंगे और इसे इसमें स्प्रेड कर देंगे। मैं यहाँ एक सिंगल पिज्जा बना रही हूँ, आप चाहें तो पार्टी में सर्व करने के लिए छोटे छोटे भी बना सकते हैं। इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट पर बिल्कुल लो हीट पर कुक होने देंगे। जितने ही हमारा बेक और कुक होके तैयार होता है इतने हम इसकी गार्निशिंग के लिए टमाटर और मशरूम के स्लाइसेस काट लेते हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं, इसे एक बार निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे टमाटर के स्लाइसेस और कुछ मशरूम के स्लाइसेस।
ये मेरे पास कुछ बेजल लीव्स हैं, फ्रेश बेजल लीव्स, इन्हें भी लगा देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। और इसे कवर कर देंगे चीज से। ये मैंने मोजरेला और शेडर चीज का मिक्स लिया है। आप चाहे कोई सा भी चीज यूज कर सकते हैं। अब इसे फिर से 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। ये हमारा पैन वाला भी तैयार है, इसे अब पलट देते हैं। इसके लिए इसको, ये देखिए, इसको दूसरी साइड से सिकने के लिए लगा देंगे। इसी तरह इस पे भी टमाटर के स्लाइसेस और मशरूम लगा देते हैं और कुछ फ्रेश बेजिल लीव्स। ऊपर से स्प्रेड कर देंगे चीज। अब इसे फिर से कवर करके लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक और सिकने देंगे। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ये हमारा पोटैटो पिज्जा बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार हो गया है। ये देखिए, देखिए ये यहाँ पैन वाला पिज्जा भी तैयार हो गया है, पर इसको सिकने में तकरीबन 20 से 22 मिनट लगे हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया पोटैटो पिज्जा बन के तैयार हुए हैं, पैन में भी और अवन के भी। इन पे स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही अमेजिंग डिश, पोटैटो पिज्जा। आप भी इसे ट्राई करें और कमेंट करके जरूर से बताएं कि ये आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice time.